जयभीम साथियों, परम पूजनीय बाबा साहब को नमन करते हुए तथागत बुद्ध सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, ज्योतिबा फूले साहब, पैरियर साहब, बिरसा मुंडा, गुरु नानक देव, संत कबीर, मेरे आदर साहब काशीराम, भगत सिंह, उधम सिंह, सभी को नमन करते हुए, बाबा साहब ने संघर्षों के बाद हमें एक अधिकार दिए। इतने संघर्ष किए, इतना त्याग किया, इतनी कुर्बानियां की, इतना बलिदान दिया, इतना अपमान सहा, इतने बुरे माहौल में, इतने बुरी तरह के समय में हमें एक अधिकार दिए, आज वो छिन रहे। भीम आर्मी का निर्माण भारत के संविधान की सुरक्षा के लिए हुआ और उसको पूर्ण रूप से देश में लागू कराने के लिए, और वंचितों को जिस तरह के अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों से छुटकारा दिलाने के लिए, न्याय के लिए। आज भीम आर्मी के उद्देश्य को चोट पहुंची, किस लिए सब जानते हैं। देश में वर्तमान की केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण का फॉर्मूला अपर कास्ट के लिए आर्थिक आधार पर लागू करने की पहल की और वो संसद में पास हो गया। मात्र 3 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने उस पर साइन नहीं किए, बकाया वो सभी एमपी जितने भी थे सबने वो साइन किया। यानी कि बाबा साहब के संविधान की हत्या करने में सब लोग साथ हैं और सब लोग मिलकर कर रहे हैं। बहुत सारे दलित नेता भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, सारी पार्टियां, राजनीतिक दल सब सपोर्ट कर रहे हैं। मोस्टली कह रहे नहीं होना चाहिए, अपर कास्ट को मिलना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अच्छी बात है, आपकी राजनीतिक रोटियों में ये हो सकता फायदेमंद हो, आप कर सकते हैं। सवाल एक, आज मैं लाइव क्यों आया, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नौजवान, हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग ये ना सोच बैठे कि चंद्रशेखर भी राजनीतिक लालसा में गलत का विरोध ना करे, वो भी चुप रहे, ये मुझसे नहीं होगा। मैं गलत का विरोध करूंगा, हमेशा करूंगा। संविधान पे जो हमला होगा उसका विरोध करूंगा, तटस्थ विरोध करूंगा, तब तक करता रहूंगा जब तक वो हमला खत्म ना हो, और लड़ूंगा। संघर्ष करना हमने साहब काशीराम से, दशरथ मांझी से, बिरसा मुंडा से सीखा है। जिस मनुवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे थे आज उसी के पूरक हम लोग हो चुके। मेरा सबसे पहला सवाल, जिन हरामखोर SC ST के MPO ने उस पर, उस अध्यादेश पे सिग्नेचर किए हैं, उस प्रस्ताव पे सिग्नेचर किए हैं जिसमें लिखा गया है कि आर्थिक आधार पर अपर कास्ट को रिजर्वेशन देना चाहिए, अब लड़ाई हमारे अपर कास्ट से नहीं है पहली, अभी लड़ाई है उन गद्दारों से जिनको समाज ने वोट देके, समाज ने ताकत देके, बाबा साहब ने राजनीतिक हथियार देके, राजनीतिक आरक्षण के दम पे जो वहां गए, और आज उन हरामखोरों ने, नक्कारों ने, मक्कारों ने, गद्दारों ने आज उस पे साइन करके साबित कर दिया कि वो गुलाम है, वो भड़वे हैं। ऐसे लोगों से मुझे तकलीफ है। ये जो हमें मिला है इसके लिए हमारे महापुरुषों ने संघर्ष किया है, लेकिन कुछ दलों ने आज हमारे अधिकारों को चोट पहुंचाई है अपनी राजनीतिक रोटा सेकने के लिए। सारे कान खोल के सुन लो, जितने MP आप मेरी बात को सुनोगे, राजनीतिक नसबंदी इसी बार सबसे पहले तुम गुलामों की करेगी भीम आर्मी। तुम अगर विरोध करते 131 SC ST के MP तो कभी ये नहीं होता अगर तुम लोग उसका विरोध करते, लेकिन तुमने साबित किया कि तुम गुलाम हो। आजाद भारत में बाबा साहब के संविधान में मिले हुए अधिकारों के बाद तुम लोग गुलाम हो। तुम्हारा इलाज सबसे पहले भीम आर्मी करेगी। तुम हमारे अधिकारों को छीनने में उनकी मदद कर रहे हो, संविधान की हत्या में उनकी मदद कर रहे हो, तुम्हारा इलाज होना जरूरी। ये मैसेज था उनके लिए जिन्होंने वहां साइन किए। अपर कास्ट के लोग तो करेंगे, उनका तो वो है, उनका तो अधिकार है वो करें,
जनरल कास्ट के लोग बड़े खुश हैं, होना भी चाहिए, सब लोग समर्थन कर रहे हैं आर्थिक आधार पर आरक्षण का, कीजिए, मैं भी करता हूं, बड़ा समर्थन करता हूं। तुम तो 10% के लिए कह रहे, मैं कहता हूं उनको 15% रिजर्वेशन दो, जनरल को, सामान्य जाति को 15% आरक्षण इस देश में मिलना चाहिए, ये मेरी मांग है। तुम तो 10% कह रहे हो, तुम उनके सच्चे देसी का हो, मैं उनका सच्चा देसी, मैं कह रहा हूं अपर कास्ट को इस देश में 15% रिजर्वेशन मिले उनकी आबादी के हिसाब से। 10 क्यों दे रहे हो भाई, धोखा क्यों कर रहे हो उनके साथ, 15% आबादी है, 15% आरक्षण दो, और 85% आबादी हमारी है, हमें 85% आरक्षण दो, जितने आबादी ओबीसी की है उनको ओबीसी की आबादी का आरक्षण दो, जितनी मुस्लिम भाइयों की उसकी आबादी पे दो, जितनी बुद्धिस्टों की है, ईसाइयों की है, जितनी दलित समाज की है उनकी सबकी आबादी पे आरक्षण दो। लेकिन बुद्धिजीवी इस पे नए नए राग अलप रहे हैं, ये ऐसा हो सकता है, इसका फायदा होगा, इसका नुकसान होगा, इसका ये होगा, इसका वो होगा, लेकिन मैं बता दूं आपको जो मेरा दिल कहता है, मुझे लगता है कि ये बड़ी साजिश हो रही है। क्या साजिश है? साजिश ये है किसी तरह से, क्योंकि राजनीतिक दल का अपर कास्ट का जो 1% वोट उन्हें मिलता होगा, 0.5% वोट मिलता होगा बहुजन दलों को, उनको ले कह रहा हूं मैं, वो विरोध ना करें, अपर कास्ट नाराज ना हो जाए, इसलिए वो चुप है। लेकिन सवाल ये है, एक बार आर्थिक आरक्षण का फॉर्मूला इन्होंने लागू कर दिया संविधान की हत्या करके, तो समझ लीजिए बुद्धिजीवी कुछ भी कहें, ये मुझे लगता है बहुजन स्वतंत्र आवाज को इस देश से जातिगत आरक्षण समाप्त करने की तैयारी चल रही है। उसका पहला हमला, उसकी पहले जो परिकल्पना तैयार की गई है, वो आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने के लिए ये किया जा रहा है कि एक बार आर्थिक आधार पर आरक्षण की स्थिति लागू हो, स्पष्ट हो, उसका कोई विरोध ना करे, और जब वो लागू हो जाए तो ये लोग हरामखोर लोग, ये संघी लोग जो संघ की मांग से लागू करते हैं, इनको पता दोबारा सरकार शायद ना आए, इसी बार लागू करा दो आर्थिक रूप से आरक्षण, और फिर इनके सुप्रीम कोर्ट में बैठे जज वो कहे कि नहीं, इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। मैं स्पष्ट बता दूं, मुझे बड़ी साजिश की बू आ रही है कि एक बार आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करवा के ये जातिगत आधार पर आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, कहेंगे जातिगत आधार पर नहीं होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, अपर कास्ट को मिलकर आप दलित को, ओबीसी को, इनके लिए भी सोचेंगे। इस तरह से हमारे जो जातिगत आधार पर आरक्षण मिला उस पर हमला है, बड़ा हमला है, ओबीसी को जागना होगा, ओबीसी भाइयों को इसका, ये तुम्हारा अधिकार छीना जा रहा है, 60% आरक्षण हो ही नहीं सकता है, संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ है, हमला है, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हमला है। दूसरी बात मैंने बता दी आपको, जो चीजें मेरी समझ में आ रही है, जो अपर कास्ट के लोग आज चिंगार मार रहे हैं, जो बहुजन दल के लोग आज चिंगार मार मार कह रहे हैं नहीं होना चाहिए होना चाहिए, अभी ताजी दो घटना याद दिला रहा हूं कि आरक्षण का क्या भाव, आरक्षण का जो ध्येय है वो जातिवाद क्यों है। अभी दो उदाहरण है, दलित समाज का राष्ट्रपति हो सकता है लेकिन मंदिर में नहीं जा सकता है, अपवित्र हो जाएगा। ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री हो सकता है लेकिन जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटेगा उसको गाय के मूत्र से विसर्जन वो किया जाएगा, धोया जाएगा, साफ किया जाएगा, क्योंकि अछूत है। अभी एक शेड्यूल कास्ट की जज थी, उसका पीए था एक अपर कास्ट का व्यक्ति, कैमरा लगाया तो चेक हुआ कि वो थूक के पानी घोल के, पानी में थूक घोल के वो जज साहिबा को पिलाता था। सैकड़ों उदाहरण है, हजारों उदाहरण है, लाखों उदाहरण है, देश में हर जगह जातिवाद होता है, जाति के नाम पे, मूछ रखने पे, अच्छे कपड़े पहनने पे, अच्छे बाल रखने पे, चश्मा लगाने पे, घोड़ी पे बैठने पे, बारात निकालने पे, अच्छी जगह खाना खाने पे, बराबर में बैठने पे हत्याएं होती हैं, जला दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। आज भी अगर अपर कास्ट की शादी से कोई दलित समाज का बच्चा, ओबीसी समाज का बच्चा विवाह कर लेता है, उसको सरेआम जलाया जाता है, निकाला जाता है, गांव से बाहर कर देता है। ऐसे देश में जहां जातिवाद चरम सीमा पे, अगर वहां आर्थिक रूप से, आर्थिक आधार पर आप आरक्षण की बात करते हैं तो आप बड़ा धोखा कर रहे हैं, हम इसमें बिल्कुल साथ नहीं है। अगर भीम आर्मी के होते हुए संविधान में दिए अधिकार, संविधान की मूल भावना छेड़छाड़ होगी, आंदोलन करेंगे, रोड पे आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन संविधान को बटने देंगे, कटने देंगे, संविधान को खंडित नहीं होने देंगे, संविधान की सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय याद रखिएगा, बहुजनों की बात कीजिएगा, बहुजनों के
सम्मान की इस लड़ाई में मैं बहुजन नेताओं से भी कहता हूं कि वो भी इसमें साथ दें, ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत हो चुकी है, अगर ये राज्यसभा जाता और वहां पे बात होती तो हम लोग रोड पे आएंगे। आप भी, आपसे निवेदन है, जो बहुजनों की बात करते हैं बहुजनों के साथ रहते हैं, बहुजनों के दम पे राजनीति करते हैं, बहुजनों के वोट पे राजनीति करते हैं, वो भी हमारे साथ आए। हम अपने हक अधिकार को छीनने नहीं देंगे, हम अपने लोगों के साथ खड़े हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे। बाबा साहब के दिए गए संविधान को जो व्यवस्था है उसमें हमें इतने संघर्ष के बाद मिली है, फ्री में किसी को लेने नहीं देंगे। जो मलाई चाटना चाहते हैं, जो इस तरह की बात करते हैं, आज वो लोग तैयार रहे। इस देश में जब तक भीम आर्मी है, बहुजन संगठन है, बाबा साहब के बच्चे हैं, तब तक इस देश के संविधान की अवहेलना नहीं होने देंगे। जय भीम, जय भीम आर्मी। भीम आर्मी की पूरी टीम तैयार है। अगर हमारे संवैधानिक अधिकार को छेड़छाड़ होगी, बाबा साहब के संविधान को तोड़ मोड़ने का काम किया जाएगा, उसे हटाने का, उसे बदलने का काम किया जाएगा, तो भीम आर्मी आंदोलन करेगी, संवैधानिक आंदोलन करेगी, लड़ेगी, संघर्ष करेगी, लेकिन बाबा साहब के दिखाए रास्ते पर चल के बाबा साहब संविधान सुरक्षित रखेगी, उसको पूर्ण रूप से लागू कराने के लिए तटबद्ध रहेगी। जय भीम, जय भीम आर्मी।